17 सितंबर 1950 को गुजरात के वाडनगर में जन्मे नरेंद्र दामोदर दास मोदी देश के सबसे चर्चित और सफल प्रधानमंत्रियों में से हैं। बॉलीवुड स्टार्स भी पीएम मोदी के सबसे बड़े फैन हैं। सलमान खान से लेकर अक्षय कुमार, शाहरुख खान और करण जौहर तक, कंगना रनौत से लेकर प्रियंका चोपड़ा और एकता कपूर तक, बॉलीवुड के सभी स्टार्स पीएम मोदी के जबरा फैंस की लिस्ट में शामिल हैं। कई मौकों पर इन सितारों को किसी आम फैन की तरह पीएम मोदी के साथ सेल्फी लेते हुए देखा गया है। पीएम मोदी के 17वें जन्मदिन के खास मौके पर देखिए बॉलीवुड सितारों के साथ उनकी खास तस्वीरें। अक्षय कुमार। बॉलीवुड के एक्शन स्टार अक्षय कुमार प्रधानमंत्री मोदी से कितने इंप्रेस रहते हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। अक्षय कुमार कई मौकों पर पीएम मोदी से मिल चुके हैं। इतना ही नहीं, पिछले साल लोकसभा चुनावों के बीच अक्षय को पीएम मोदी का इंटरव्यू लेने का मौका भी मिला था। हालांकि अक्षय द्वारा लिया गया पीएम मोदी का वह इंटरव्यू गैर राजनीतिक था, लेकिन कई दिनों तक खबरों में छाया रहा था। शाहरुख खान और आमिर खान, है ना अजब नजारा। इंडस्ट्री के दो सुपरस्टार्स जिनके पीछे लाखों फैंस उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए घूमते हैं, वही आमिर खान और शाहरुख खान अपने फोन से पीएम मोदी के साथ आम फैन की तरह सेल्फी क्लिक कर रहे हैं। मौका था देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती का। इस मौके पर पीएम मोदी ने कला और सिनेमा क्षेत्र से जुड़ी हस्तियों से अपने आवास पर मुलाकात की थी। इसी मौके पर शाहरुख और आमिर ने इस यादगार लम्हे को अपने कैमरे में कुछ यूं कैद किया था। कंगना रनौत। बॉलीवुड की पंगा क्वीन कंगना रनौत भी कई मौकों पर पीएम मोदी से मुलाकात कर चुकी हैं। हाल ही में खबरें आई थी कि कंगना बीजेपी पार्टी भी ज्वाइन कर सकती हैं। कंगना रनौत, एकता कपूर, जैकलिन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने जो खास समारोह आयोजित किया था, उसमें एकता कपूर, जैकलिन फर्नांडेस और कंगना रनौत ने भी हिस्सा लिया था। इवेंट खत्म होने के बाद ये सभी पीएम मोदी के साथ इस अंदाज में सेल्फी क्लिक करवाती दिखी थी। बॉलीवुड की यंग ब्रिगेड, इन तस्वीरों को भला कौन भुला सकता है। ये वो मौका था जब बॉलीवुड की यंग ब्रिगेड को देश के सबसे चहेते प्रधानमंत्री से मुलाकात करने का मौका मिला था। पिछले साल जनवरी में पीएम मोदी ने बॉलीवुड की यंग ब्रिगेड से खास मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने चर्चा की थी कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री राष्ट्र निर्माण में कैसे योगदान दे सकती है। करण जौहर ने इस दल का नेतृत्व किया था, जिसमें एकता कपूर, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, सिद्धार्थ मल्होत्रा, आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, विकी कौशल, भूमि पेडनेकर और वरुण धवन शामिल थे। मीटिंग खत्म होने के बाद रणवीर सिंह कुछ इस अंदाज में पीएम मोदी के साथ तस्वीरें खिंचवाते दिखे थे। अनुष्का शर्मा, विराट कोहली। अनुष्का शर्मा भी पीएम मोदी के सबसे बड़े समर्थकों में से एक हैं। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने पीएम मोदी से मुलाकात कर उन्हें खास तौर से अपनी शादी के रिसेप्शन पार्टी का न्योता दिया था। पीएम मोदी भी नवविवाहित जोड़े को अपना आशीर्वाद देने पहुंचे थे। प्रियंका चोपड़ा। देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा भी प्रधानमंत्री मोदी से खासी प्रभावित है। वह कई बार उनसे मुलाकात भी कर चुकी हैं। निक जोनस के साथ शादी करने के बाद पीसी ने दिल्ली में रिसेप्शन होस्ट किया था, जिसमें पीएम मोदी खास तौर से पहुंचे थे। इससे पहले 2017 में भी प्रियंका और पीएम मोदी की मुलाकात बर्लिन में हुई थी। हालांकि उस वक्त प्रियंका को शॉर्ट ड्रेस पहनकर पीएम मोदी से मीटिंग करने की वजह से काफी ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा था। सलमान खान। पीएम मोदी और सलमान खान के बीच भी काफी अच्छी दोस्ती है। साल 2014 में मकर संक्रांति के मौके पर सलमान अहमदाबाद में उनके साथ पतंग उड़ाते दिखे थे। इतना ही नहीं, मांझे से हाथ कट जाने पर सलमान ने उनके हाथ में बैंडेड भी लगाई थी। अमिताभ बच्चन, ये तस्वीरें भला कौन भुला सकता है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को भी देश के महानायक से मिलने का मौका कई बार मिल चुका है।
कपिल शर्मा। पीएम मोदी से अच्छे दिनों को लेकर सवाल पूछने वाले कपिल शर्मा भी उनके भक्तों की श्रेणी में आते हैं। कपिल को भी पीएम मोदी से मुलाकात करने का मौका मिल चुका है। सनी देओल। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की टिकट से खड़े हुए सनी देओल ने गुरदासपुर सीट जीतने के बाद पीएम मोदी से मुलाकात की थी। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सनी देओल ने उनकी प्रशंसा में ट्वीट भी किया था। श्रद्धा कपूर, आदित्य रॉय कपूर। साल 2014 में श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर को भी मुंबई में हुए एक कार्यक्रम में पीएम मोदी से मुलाकात करने का और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने का मौका मिला था। पीएम मोदी के साथ हुई इस मुलाकात को श्रद्धा आज तक नहीं भूली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।